भैया कल वाला वीडियो देख के मोटिवेट वोटिवेट हुए कि फिर से वहीं सो गए बिस्तर लगा के? तो भैया दीवार में अपने चारों तरफ चिपकाए कि नहीं कि तुम्हें इस सीजीएल में कौन सी पोस्ट चाहिए जिसके लिए तुम लड़ोगे? घर वाले को मना कर दिया ना कि तुम्हें आगे से किसी तरह का 50 दिन तक डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर फिर सो गया तो बार बार मैं तुम्हें हूरते रहूँगा, पोक करते रहूँगा, लेकिन तुम्हें सीजीएल निकलवा के रहूँगा, मतलब बेड से उठा के बैठवा के पढ़ाऊँगा। ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे घर आके एक बाल्टी पानियों मार दूँगा ताकि तुम उठ के पढ़ो, सोने नहीं दूँगा भाई। अगर अभी ये जवानी में सो गए तो तुम बुढ़ापा में क्या करोगे भाई? तो जागे रहो भैया, क्योंकि तुम्हारे जो कंपटीटर है ना वो 3-4 महीने पता नहीं सालों से लगे हुए हैं, तो अगर उन्हें कम्पीट करना है ना तो बहुत ही तेज़ी के साथ तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और एकदम उछल कूद जो करना है सब करना पड़ेगा। और मेमोरी का रोना मत रोना कि इतना कम टाइम इतना सिलेबस, क्योंकि दिमाग बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ है। जो मूर्ख और बुद्धिहीन तनु जिनके हैं ना वो लोग ही तुम्हें बोलेंगे, जो बुद्धिहीन लोग हैं, कि भैया नहीं हो पाएगा, दिमाग की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खान पान करो, तुम्हारी मेमोरी अपने आप बढ़ जाएगी, शार्प हो जाएगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो एक सप्ताह का तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है? तो फालतू बकवासों मत रहो और लग जाओ, ठीक है? चलो मुद्दे में आते हैं डायरेक्ट। आपने कहा था कि सर करंट अफेयर रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा, और बहुत सारे मुझे मैसेज आए थे टेलीग्राम में, चैनल में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बाकी टॉपिक में तो यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है लेकिन करंट को कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, उसके रिलेटेड बहुत ही कम वीडियो है। तो कल से ही मैं लगभग लगा हुआ था, 3-4 घंटा मैंने रिसर्च किया इधर उधर क्या कैसे किया जाए, तो उसके बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जेएसएससी सीजीएल 2016 का जो पेपर है उसका पूरा एनालिसिस किया, जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का 2016 का उसका पूरा एनालिसिस किया, देखा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के और कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई नदी में कूदना है पहले उसकी गहराई नापते हैं, ठीक है? तो तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले जानो कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए। इस बार क्या आएंगे किसी को नहीं पता है, लेकिन कम से कम तुम उसी पैटर्न में पढ़ाई तो कर सकते हो ना। तो देखो पिछले बार जो क्वेश्चन आए थे तो करंट अफेयर आपको पता है 2 पेपर जो आपका 3 है उसमें आता है, तो एक आएगा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर और दूसरा आएगा आपका झारखंड रिलेटेड करंट अफेयर। तो पहले देखते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड करंट अफेयर किस तरह के आए थे 2016 वाले एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले आप देखोगे कैपिटल एंड करेंसी से, मतलब 3 बच्चे क्वेश्चन थे एकदम, मतलब अगर कैपिटल से क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए उससे अच्छा कोई भी बात नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आप तो बहुत दिन से पढ़ रहे होगे, कुछ कुछ ही भूल रहे होगे, लेकिन आपको याद आ जाएगा अगर रिवाइज करते रहोगे तो। और 3 क्वेश्चन आए गए थे मुझे जहाँ तक याद है, हंगरी का कैपिटल पूछ लिया गया था, पोलैंड का कैपिटल पूछ लिया गया था, इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कैपिटल और करेंसी को अभी तुम कहीं से भी पढ़ो तो इसको छोड़ना मत, ठीक है? दूसरा स्पोर्ट्स से 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब समझ लो कि स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी रिसेंट में जितने भी स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है उसे आपको कवर करना है। तीसरा आप देखोगे पर्सन इन न्यूज़, जैसे कुछ कुछ आदमी है जिसने कुछ रिसर्च कर दिया, उसे कुछ बड़ा यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिकॉग्निशन मिल गया, तो उस तरह का कोई आदमी अगर न्यूज़ में है या फिर कोई फेमस आदमी है उसका देहांत हो गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 आए थे, ठीक है? उसके बाद अवार्ड से 1 क्वेश्चन आया था, किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन सा प्राइज मिला। बुक एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन आए थे कि इस बुक को किसने लिखा, ठीक है? और अपॉइंटमेंट, मतलब अभी होम मिनिस्टर कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, नीति आयोग का CEO कौन है, फिर आपका जो लास्ट प्लानिंग कमीशन था वो कब से कब था, फिर आपका पूछ सकते हैं इलेक्शन कमीशन अभी कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्हें हम बोलते हैं वो कौन है अभी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अपॉइंटमेंट में। फिर UNO रिलेटेड पूछ लेंगे अपॉइंटमेंट में, अभी नाटो वाला इशू चल रहा, नाटो और यूरोपियन यूनियन, तो उससे रिलेटेड जरूर पढ़ना। अब आप पूछोगे सर कैपिटल करेंसी सब पढ़ लूँ क्या? देखो एक सरसरी निगाह से देख लेना, लेकिन इनका जो फोकस होता है ना, यूरोप तो अभी सबसे ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है? यूरोप देख लेना, मिडिल ईस्ट वाला देख लेना और अफ्रीका का कुछ कुछ देख लेना, ठीक है? ये सब में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं लोग। वैसे तो आपको पूरा देखना है क्योंकि 3 क्वेश्चन ये बहुत ही बच्चे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने कैपिटल एंड करेंसी देख लिया, ठीक है?
और स्पोर्ट्स में ये लोग क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जेएसएससी वाले, लेकिन आप सब देखोगे तो ये क्वेश्चन थे। मतलब कुल मिला के देखोगे तो नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड करंट अफेयर के 13 क्वेश्चन आए थे आपके 2016 वाले जो सीजीएल हुआ था उसमें, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में स्कीम से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसी से समझ सकते हो कि स्कीम्स जो योजना है झारखंड सरकार की, जितनी भी योजना है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो। बुक एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस मतलब उस तरह का कि कौन से सांसद को ये अवार्ड मिल गया, फिर कौन सा नया सा उद्योग के लिए किसको प्रोत्साहन दिया गया, उस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं मिसलेनियस में। अपॉइंटमेंट से अभी पूछ देगा कि आपसे कि झारखंड का कृषि मंत्री कौन है, अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, इस तरह का कुछ भी पूछ सकता है। शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये आपको याद रखना है। फिर स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सब के बारे में पूछ सकता है। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड भी 1 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह आप देखोगे कि अब ओवरऑल व्यू देख लो एक बार, फोटो खींचना है तो खींच लेना, तुम्हारे एनालिसिस के लिए ज़रूरी होगा। 13 क्वेश्चन आए थे आपके नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर से, और झारखंड के करेंट अफेयर से आए थे लगभग आपके 10 क्वेश्चन। तो टोटल अगर आप देखोगे तो इधर 13 और 10 टोटल आपके होते हैं 23 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम अभी मिला जुला के चलें कि एक दो बढ़ भी गया तो लगभग 25 के आसपास हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर के, ठीक है। अब मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जो एग्जामिनर पैटर्न मतलब क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वही जानता है। मैं जो बता रहा हूँ पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उसके अनुसार कितने क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर के और किस किस टॉपिक से आ सकते हैं। तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन 25 क्वेश्चन की मदद से आप अंदर आ सकते हो या बाहर भी जा सकते हो। इसलिए अगर कोई करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दे रहा है तो वे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर पे आपको फोकस करना है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई लिमिट नहीं है। कब कहां से किस जगह से क्वेश्चन पूछ देगा वहां अगर आप नहीं बना पाते हो तो आप ख़त्म हो जाओगे। मैथ रीजनिंग को अगर टफ कर दिया तो ख़त्म हो जाओगे, लेकिन अगर आपने करंट पढ़ लिया तो उसमें टफ कहाँ से करेंगे, एक लिमिट होता है उसी के अंदर वो पूछेंगे। इसलिए करंट को भाइयों इग्नोर मत करना, ठीक है, जो भी मेरे दोस्त भाइयों इग्नोर मत करना। अब देखो, अब थोड़ा हम पढ़ते हैं करंट अफेयर किस क्या चीज़। जब आप करंट अफेयर पढ़ो कोई भी बुक से, बुक भी मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि कितने दिन का पढ़ना है करंट अफेयर और क्या क्या उसमें पढ़ना है आपको। तो देखो, करंट अफेयर जब आप पढ़ो क्या ध्यान रखोगे, टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक, टाइम बहुत हो गया लेकिन सनसनी निगाहों से देख लेना ऊपर, ठीक है। कितना मेडल मिला था इसमें कितना मेडल मिला था, नीरज चोपड़ा रिलेटेड जो कितना दूर फेंका था उन्होंने, ये सब चीज़ें देख लेना। उसके बाद नोबेल प्राइज देख लेना, पद्म अवार्ड जो मिला था उसे देख लेना, झारखंड में अगर किसी को मिला था तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। साहित्य एकेडमी, इन लोग का 3 एग्जाम पे बहुत ज़्यादा मतलब 3 अवार्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, नोबेल प्राइज, पद्म अवार्ड और साहित्य एकेडमी। उसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट, अगर यूनिसेफ का कोई अध्यक्ष बना, WHO का कोई अध्यक्ष बना, तो वो सब आपको पढ़ने हैं चाहे इंडिया में हो या वर्ल्ड में, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट या फिर PM, कैपिटल करेंसी ऑफ कंट्री इन न्यूज़, जैसे कोई कंट्री अभी न्यूज़ में, कौन कौन कंट्री न्यूज़ है आप देखोगे, यूरोप में जितना भी यूक्रेन के आसपास कंट्री है, रसिया के आसपास कंट्री, सब न्यूज़ में है, ठीक है। इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, टर्की, सब न्यूज़ में अभी। तो उनके अब पूरा प्रेसिडेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ का पढ़ लेना, जैसे इसराइल का पढ़ लेना, फिर आप पढ़ लेना यूक्रेन का, फिर नाटो का, यूरोपियन यूनियन का, रशिया का, इन सब का प्रेसिडेंट PM पढ़ लेना, लेकिन कंट्री और कैपिटल करेंसी वो पढ़ लेना अधिकतर का, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर आपको बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ इंडेक्सेस, ठीक है, इंडेक्सेस भी आपसे पूछ सकते हैं। 2016 में तो नहीं पूछा, लेकिन क्या पता पूछते हैं इस बार, तो क्योंकि 2016 और अभी लगभग 6 साल हो गए हैं,
6 साल में पैटर्न कुछ भी बदल सकता है। उसके बाद डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ कुछ आपको देख लेना है, जैसे अगर सरकार ने इसराइल से कुछ नया खरीदा है, या फिर ब्रह्मोस के बारे में, रफेल के बारे में एक एक पॉइंट देख लेना। स्पेस रिलेटेड कि अभी कौन सा इसरो का मिशन चल रहा, मार्स मिशन जो हो गया, फिर आपका चंद्रयान हो गया, फिर आपका जो सोलर वाला एक है ना, सोलर वाला मिशन जो है, सूर्य वाला, उसे आपको देखना है। उसके बाद स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिसेंट सीएम एंड गवर्नर, अभी 4-5 स्टेट में इलेक्शन हुए तो वहाँ के रिसेंट सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, वो सब पे आपको ध्यान लेना है। फिर अपकमिंग स्पोर्ट्स एंड समिट, कुछ कुछ स्पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, वो स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, और समिट भी देख लेना जो इंपॉर्टेंट है न्यूज में है, ठीक है। फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, वो उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं आपको कि सूर्य किरण हो गया, मित्र शक्ति हो गया, ऊपर ऊपर से कुछ कुछ देख लेना, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तो पढ़ के जाना, क्योंकि अभी 2-3 साल से आप ट्रेंड देखोगे तो कोई भी एग्जामिनेशन में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा। इसमें कुछ कुछ तो पेटेंट क्वेश्चन होते हैं, एक्ट जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, ओजोन डे हम कब मनाते हैं, ओजोन डे का थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, कार्टाजिना प्रोटोकॉल क्या है, वियना कन्वेंशन क्या है, किगाली कन्वेंशन क्या है, इन्वायरमेंट का ये 8-10 लाइन पढ़ लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको इन सब एरिया पे फोकस करना है। आशा है कि इसे देखकर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आपको लेना है तो। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है और कब तक का पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, कब तक का पढ़ना है ना, उस पर बात करें तो ये बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, क्लियर नहीं कहीं पे, क्योंकि आप देखोगे कि जब BPSC का एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम एग्ज़ाम होने वाला था दिसंबर 2021 में, लेकिन हुआ था मई 2022 में। तो उसमें उन्होंने क्या किया, मई वाले एग्जामिनेशन में पिछले साल का पूरा करंट अफेयर डाल दिया, क्योंकि उनका क्वेश्चन जो था अक्टूबर नवंबर में ही सेट हो गया था, ठीक है। तो CGL में तो मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ बार बार नियमावली बदल रही थी, बार बार आप देखोगे कि लैंग्वेज पेपर का सिलेबस बदल रहा था, तो मेरे अनुसार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है। कम से कम 1 साल का पढ़ना है, ठीक है। अब 1 साल में आप बोलोगे कि सर 1 साल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें देखो क्या कर सकते हो तुम कि 6 महीने तक मतलब नॉर्मल पढ़ो, और अभी लास्ट 6 महीने का एकदम अच्छे से पढ़ लो। मैं तो बोलूँगा कि अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2021 से लेके अभी आपका चल रहा, अभी नोटिस आ गया तो क्वेश्चन जून हो गया, जुलाई, ठीक है, तो जून तक पढ़ लेना, जून लास्ट तक काफ़ी है। अक्टूबर 2021 से जून लास्ट तक, मतलब इतना भी पढ़ लोगे तो आपके अच्छे खासे कवर हो जाएंगे। लेकिन वैसे तो आपको 1 साल का टारगेट करना चाहिए, अगर आप पढ़ सकते हो, मतलब जून से जून तक पढ़ लो पूरा, ठीक है, जून 2021 से जून 2022 तक पढ़ लो, और उसमें अक्टूबर से लेकर जून तक में ज़्यादा फोकस करना, समझ गए तुम, ठीक है। और जिस जिस टॉपिक पे मैंने बोला उस पर विशेष ध्यान देना, जो शुरू में मैंने बताया था कि ये सब CGL 2016 में पूछे गए थे, ठीक है। अब आते हैं बुक पे, ठीक है। तो ये देखो, एडुटेरिया का बुक है, 3-4 बुक मैं लेके आऊँ, एडुटेरिया का बुक है करेंट अफेयर का, बहुत अच्छा बुक आता है, मैं खुद पढ़ता हूँ इसे, तो ये जितने भी आपके एग्जामिनेशन है सबको कवर कर लेगा। ये देखो आप, ईयरली था, इसमें 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक है, ठीक है। और ये इंग्लिश का आपको दिख रहा है, इसका हिंदी वाला वर्जन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, मतलब एडुटेरिया आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बुक देख लो, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं, 1 लाइनर भी, सब कुछ है, अच्छा बुक है, आप ले सकते हो आँख बंद करके, ठीक है। इसका कंटेंट थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, यहाँ देखो, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, नया नया दिन जो घोषणा करती है सरकार उसके बारे में लिखा गया है, मिनरल और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में दिया गया है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में दिया गया है, फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड टाइगर रिजर्व, फिर नया नया जो MOU साइन हुआ, मेजर अपॉइंटमेंट हो गया, फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं उनके बारे में दिया गया है, 2021-22 में जो मेजर डेथ हुए हैं उनके बारे में, फिर GI टैग जो अलग अलग प्रोडक्ट को मिला है उस बारे में दिया हुआ है, फिर आप देखोगे इंडेक्सेस दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेज दिया हुआ है,
उसके बाद फिर यहाँ देखोगे तो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, फिर कॉन्फ्रेंस और समिट जो इंटरनेशनल होते हैं, फिर रिपोर्ट हो गया जो अलग अलग नीति आयोग कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रहा उस तरह के, फिर जो तूफान आए चक्रवात आए कि इस चक्रवात को किसने नाम दिया था उस तरह के क्वेश्चन, फिर अपकमिंग गोल जैसे इंडिया टारगेट करता है ना कि मुझे 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है 2024 तक 2022 तक, इस तरह के टारगेट आपको बताए जाएंगे इसमें। मेजर स्पोर्ट्स इवेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट, टोक्यो 2020 है जो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 हो गया, फिर इंपॉर्टेंट मिशन अंडरटेकन बाय इसरो इन रिसेंट ईयर, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। फिर 17वीं लोकसभा में जो सब मिनिस्टर है, मैंने पूछा था आपको मिनिस्टर याद रखना है, CM और गवर्नर हो गया सब, फिर मेजर प्लान जो है गवर्नमेंट का, कैंपेन क्या लॉन्च करती है गवर्नमेंट, मेजर मोबाइल ऐप कौन कौन से हैं, पोर्टल कौन कौन सा है, इनिशिएटिव क्या क्या है, बुक और ऑथर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके झारखंड के लिए, नेशनल इवेंट हो गया, इंटरनेशनल इवेंट हो गया, इकोनॉमिक इवेंट हो गया, फिर आपका डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसने उसका 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में, तो इस बुक में लगभग सब कवर किया हुआ है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, देखो आप 115 लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक पेज में दिखा रहा हूँ आपको, देखो बजट 2022-23 को यहाँ प्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छे तरह से इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका पहला बुक हुआ। दूसरा बुक, अगर आपको वो बुक नहीं मिल रहा तो आप स्पीडी ले सकते हो, बहुत अच्छा बुक है ये भी, और यहाँ देखो ये लेटेस्ट भी आ गया जुलाई 2021 से जून 2022 तक का, ठीक है। तो या तो आप एडुटेरिया ले लो या स्पीडी, एडुटेरिया और स्पीडी दोनों आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे और हिंदी में भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है, जो आपको CGL में पिछले बार आया था उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख लेना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं, क्योंकि एग्जाम निकलना है, ठीक है, वही चीज़ छोड़ो जिसका महत्व नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है हाईलाइट्स, मुख्य आकर्षण क्या क्या थे, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स एकदम फेवरेट है, फिर क्वाड जो था ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया और USA था, याद रखना ये चारों क्वाड में थे, फिर थॉमस कप हो गया, फिर कान फेस्टिवल हो गया, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, मोबाइल ऐप हो गया, सूचकांक मतलब रिपोर्ट हो गया, केंद्र सरकार की योजना हो गई, सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सम्मेलन, समिट हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, तो इससे रिलेटेड सब कुछ इस बुक में आपको मिलेंगे। सिलेबस देख लो, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, मतलब कंटेंट कौन क्या कहाँ शुरू मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन उनके प्रमुख, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कोविड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा, फिर 5 राज्य में जो विधानसभा चुनाव हुए थे सब एक जगह मिलेंगे आपको, भारत सरकार का रिपोर्ट एक जगह मिलेगा, फिर विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक मिलेगा एक जगह, वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौता आपको एक जगह मिलेगा, फिर 2021-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, सैन्य अभ्यास, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इस तरह का आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। देख लो आप, आर्थिक प्रदूषण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, पर्यावरण, करेंट अफेयर, खेल हो गया, पुस्तक और लेखक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम हो गए, महत्वपूर्ण सम्मेलन हो गए, करंट अफेयर, वन लाइनर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंटेंट, ये देखो एक पेज मैंने आपके लिए मेहनत करके ला दिया हूँ। देखो करंट अफेयर अभी कौन कहाँ है, राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद है, 14वें थे, ठीक है अभी, इसलिए द्रौपदी मुर्मू जो बनने वाली वो किस नंबर की होगी, 15वें नंबर की, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 13वें नंबर के, PM जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी है 15वें नंबर के, अध्यक्ष ओम बिरला, सब कुछ लिखा हुआ अच्छे से, देखो आप A to Z, ठीक है, A to Z आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, एक बुक में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन। अब झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर रिलेटेड तो मैंने एक दो बुक देखा, लेकिन आप बोलोगे कि सर एक ही बुक में आ जाए, वैसा तो मुझे कोई बुक नहीं मिला, आपको थोड़ा एक दो बुक देखना होगा, या फिर कोई और अगर बुक अभी आने वाला है तो देखना होगा, बहुत ज़्यादा मैं झारखंड के टॉपिक का विश्लेषण नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये मैंने एक बुक देखा था तो उसे आप देख सकते हो, मार्गदर्शन पब्लिकेशन का है ये एक बुक आया था, ये देखो प्रकाश पोद्दार इनका यूट्यूब चैनल भी है, और इस बुक में बजट पढ़ाया गया है, इम्पॉर्टेंट जो योजना है बहुत इम्पॉर्टेंट है झारखंड की,
पद्मश्री पुरस्कार विजेता, झारखंड के चर्चित व्यक्ति हो गए, फिर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुख्य नीतियां रिपोर्ट और ऐप, फिर प्रमुख सूचकांक, तो ये सब इसमें बताया गया है। उसके बाद देखोगे आप, मैंने आपके लिए एक पेज भी ला दिया है, इसमें देखो झारखंड समसामयिक, कौन क्या कहा, मंत्रिपरिषद, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, विकास योजना, झारखंड के चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल, प्रमुख निधन, चर्चित पुस्तकें, प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख सूचकांक रिपोर्ट ऐप, झारखंड पुरस्कार एवं सम्मान, झारखंड की नवीनतम प्रमुख नीतियां, ठीक है। उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसमें झारखंड के बारे में, राजनीतिक घटना चक्र, झारखंड के प्रतीक चिन्ह, झारखंड की जनगणना, झारखंड वन लाइनर, बजट हो गया आपका, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इस बुक में ये सब मिलेगा आपको। देखो इस तरह का पहला पेज है, देश के 100 स्मार्ट शहरों में रांची चौथे नंबर पे, फिर पोस्ट कार्ड फॉर्म झारखंड से बनने वाली डॉक्यूमेंट्री का प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये झारखंड का एक बुक था। फिर दूसरा बुक है एक शिवांगम पब्लिकेशन का, जो मार्केट में है, इसमें आपको नेशनल और झारखंड दोनों एक ही बुक में मिल जाएंगे। ये खासियत है इस बुक की, आप देख लो यहाँ पे थीम, राजनीतिक घटना चक्र, ये सब पूरा आपको मिल जाएगा। झारखंड समसामयिक प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है आपको, यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो आप, और ये आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा झारखंड का और इसका करंट अफेयर, ठीक है। तो अब आपको इसमें सेलेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। मैंने चार पांच जो बुक बताया उसमें से आपके अनुसार आप देख लेना एक बार मार्केट में, देखना कौन सा अच्छा है, ठीक है। झारखंड के बुक का मैंने बहुत स्टडी नहीं किया है, और भी एक दो बुक देखूंगा तो फिर कुछ कोशिश करता हूं आपके लिए कुछ करने की, लेकिन आपको भी मेहनत करना है। अभी जो बुक मार्केट में आए हुए हैं, मेरे पास जो अगल बगल में बुक थी मैंने उनका वीडियो बना दिया है, इस वीडियो को देख लेना, आपको अगर कुछ समझ में आया कि कौन सा बुक कैसा है तो ले सकते हो। नेशनल में तो स्पीडी या एडिटोरिया आंख बंद करके दोनों में से जो मिले वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और झारखंड के लिए अभी आ जाने दो कुछ और, तब तक कोई भी एक जो मैंने बुक बताया उसमें से एक ले लो। और एग्जाम फाइटर का भी बुक आने वाला है, पिछले साल उनका बुक देखा था, वो अच्छा था, ठीक है। तो इस बार का पता नहीं कैसा कंटेंट रहेगा, कब तक आएगा, लेकिन उतना देर इंतजार करना भी अभी बेवकूफ़ी होगी। तब तक कुछ और भी मतलब बुक लेके पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर के लिए हमेशा एक दो बुक पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो दो बुक को रेफर करना चाहिए, अभी कोई भी बुक ले लो। तो आप पूछोगे सर आप इसमें हमारी क्या हेल्प करोगे, तो देखो पूरा तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा नेशनल में वो मैं आपको कवर कराऊंगा, कम से कम जनवरी से लेकर अभी तक तो कोशिश करूंगा कवर करवा देने की। फिर बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, और भी हिट लिस्ट के जो क्वेश्चन है वो सब करवा दूंगा आपको, और झारखंड के भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। लेकिन मेहनत आपको भी करना होगा, अगर आप सोचो कि सर ही करवा देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हो मैं कितना भी बिजी हूँ, बहुत सारे टॉपिक पे मुझे काम करना है। तो ये वीडियो बस इसीलिए था कि आपको करंट अफेयर को लाइटली नहीं लेना है, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, जो होगा मेरे तरफ से मैं करूँगा। और साथ ही अगर आप पूछोगे सर यूट्यूब चैनल पर कौन से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने की आदत होगी, तो YouTube पे अगर देखना चाहते तो बहुत ज़्यादा मत देखना। एक नेशनल के लिए तुम देख सकते हो गौरव सर का, कुमार गौरव सर का है, उत्कर्ष क्लासेस वाले, वो अच्छा बताते हैं, उनका देख सकते हो, उत्कर्ष क्लासेस वाले कुमार गौरव सर का। और झारखंड के लिए एक स्टडी IQ में वीडियो बनाया था, उनका भी नाम गौरव गर्ग सर है, तो उनका वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं स्टडी IQ वाले वीडियो का शॉर्ट में आपको बता दूंगा, तो अगर आप नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप पूरे अच्छे से वीडियो देखना और बताना कि आपको कोई डाउट हो, ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।